सो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे। सो गाइज, आज के वीडियो में इसके लिए बात करने वाला हूँ वीवो Y01 मोबाइल के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप इसमें सिंपल मोड को इनेबल कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस मोबाइल में सिंपल मोड को यूज करना, तो आप एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। सिंपल मोड क्या होता है, इसको यूज कैसे करना होता है, इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पर सिंपल मोड का चलिए मैं इनेबल करके देख लेता हूँ। तो उसको करने के लिए हमें अपने मोबाइल के सेटिंग में आना होगा। तो मैं आ जाता हूँ अपने मोबाइल के सेटिंग में। अब सेटिंग में आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। पहले आपको मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, फिर थीम्स मिलेगा, वॉलपेपर्स मिलेगा, यूआई कलर भी मिलता है, और फिर यहाँ पर इसके नीचे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स भी मिलता है, और इसके नीचे हमें होम सेटिंग्स मिलता है। इसके नीचे आएंगे तो सिंपल मोड का भी ऑप्शन मिलता है, तो सिंपल मोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपल मोड को इनेबल कर लेना है। अब इनेबल जैसे करेंगे तो आप अपने मोबाइल के बैक यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। सो क्या देखते हैं, आप अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ गए हैं। आपका मोबाइल में जो फोन्स हैं या कॉन्टेंट है या एल्बम है, कैमरा है, आई मैनेजर है, मैसेज है, सब कुछ ऊपर ही यानी कि होम स्क्रीन पर ही शो होने लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे मोबाइल में शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे इसमें जैसे आपको किसी को कॉल करना है तो आप यहाँ पर फोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फोन कर सकते हैं। मैसेज अगर आपको किसी को भेजना है, मैसेज आप क्लिक करेंगे, या आपको कैमरा ऑन करना है तो कैमरा पर क्लिक करेंगे, कैमरा ऑन हो जाएगा। आई मैनेजर को ऑन करना है तो यहाँ से आई मैनेजर को भी ऑन कर सकते हैं। तो और यहाँ पर इसके आएंगे तो कैलेंडर को भी ऑन करना चाहेंगे, कैलेंडर को भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कैलकुलेटर भी मिलता है, सेटिंग्स मिलता है, ऑल ऐप्स मिलता है। अगर आप देखिए आप इस मोबाइल में जितने भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, उन सभी को देखना चाहेंगे तो आपको ऑल ऐप्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जितना भी यहाँ पर एप्लीकेशंस होगी सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे मोबाइल में जो है यहाँ पर सब कुछ शो हो रहा है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके मोबाइल में जितना भी एप्लीकेशंस होंगी उसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी कि लार्ज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो फॉन्ट है यहाँ पर बड़ा हो गया है। और इसमें बता दें, अगर से आप इसमें कुछ और भी एप्लीकेशन को ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको जो भी ऐड करना हो तो आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं जैसे कि यहाँ पर इसको कैंडी क्रश गेम को भी यहाँ पर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर ऐड द शॉर्टकट कैंडी क्रश सागा टू होम स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। आपको होने के बाद आप बैक आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस पर ही क्लिक किया था, यहाँ पर देख सकते हैं हो गया। अगर आपको और भी ऐड करना है तो आप यहाँ से और भी चीज़ें को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल यहाँ से आपको ऐड करके दिखा दिया हूँ। तो इस तरीके से आप इसमें किसी सिंपल मोड को यूज कर सकते हैं एंड इसको चला भी सकते हैं। अगर इसे देखिए आप इस पर सिंपल मोड को आप बंद करना तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर इसके नीचे आपको एक चीज सिंपल व्यू का जो सिंपल व्यूज का जो एप्लीकेशन मतलब जो यहाँ पर शो हो रहा है आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने मोबाइल के ड्रावर मोड में आ जाएंगे। देख सकते हैं मेरा पैरा वाला जो सिस्टम था वो आ गया है। तो इस तरीके से आप इसमें सिंपल मोड को यूज कर सकते हैं। तो सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।